कहो, तेरा पुत्र यूसुफ यह कहता है। हाँ देखिए, अब यूसुफ क्या बोल रहा है अपने भाइयों से कि तुम जल्दी से जाओ और मेरे पिता को क्या बोलो, क्या बोलने के लिए बोल रहे हैं, पढ़ें। कि परमेश्वर ने मुझे सारे मिस्र का स्वामी ठहराया है। हाँ, परमेश्वर ने मुझे सारे मिस्र का स्वामी, ये छोटी बात नहीं है। एक समय था जब वो किसी को अपना स्वामी बोल रहे, हालेलुया, कि मैं अपने स्वामी की नजरों में मैं पाप नहीं कर सकता, लेकिन ये समय है जब वो ये बोल रहे कि मुझे पूरे मिस्र का स्वामी बनाया है। हालेलुया, ताली बजाएं यीशु मसीह के लिए। हालेलुया, ये सिर्फ परमेश्वर कर सकता है, परमेश्वर की योजना में हो सकता है और हमारी विश्वास योग्यता में। मुझे पूरे मिस्र का स्वामी बनाया गया है और इसलिए तू मेरे पास बिना विलंब किए चला। हाँ, तू बिना विलंब किए मतलब कोई देर नहीं करनी है तुझे, अब तू मेरे पास चला, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तेरा पुत्र क्या है, इस पूरे मिस्र का स्वामी है। हालेलुया, ये वो लड़का था जो नौकर था, जिसको उसके भाइयों ने बेच दिया। बेचने के बाद वो जब मिस्र में आया, उसने कितने सालों तक नौकरी की, है ना, बर्तन मांजे, झाड़ू लगाया, घर में कपड़े भी धोए होंगे, बहुत कुछ किया होगा उसने। फिर धीरे धीरे उसकी विश्वास योग्यता को देखकर एक बात बाइबल में लिखी है, परमेश्वर का वचन कहता है जिस घर में यूसुफ जाता था, यूसुफ उस घर के लिए क्या बन जाता था, और यहोवा परमेश्वर यूसुफ के कारण पोतीपर के घर में क्या देने लगा, आशीष। हालेलुया, बाइबल में लिखा है यहोवा यूसुफ के कारण, किसके कारण, यूसुफ के कारण। ये तो नौकर था, ये तो बेचा गया था। आज आपकी परिस्थिति कैसी है, आप किस हालात में हो, आपको कोई पसंद करता है नहीं करता है, आपको सबने ठुकरा दिया, आपके बारे में बहुत सारे लोग गलत बोल रहे हैं, ये तो कोर्टों में बर्तन मांजती है, इसकी तो कोई इज्जत नहीं है, फलाना, आप जबकि सही हो, आप मेहनत करके खा रहे हो, लेकिन लोग फिर भी बोल रहे हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको इस वचन को याद करने कि जो परमेश्वर उस गुलाम को, जो यूसुफ जो बेचा गया था, परमेश्वर जब उसको वफादारी से, उसकी वफादारी का सिला उसको दे सकता है, क्या मेरा परमेश्वर मुझे मेरी वफादारी का सिला नहीं देगा। हालेलुया, वो परमेश्वर आपकी वफादारी का सिला आपको देगा। आज कोई कुछ भी बोल रहा है उसको मत सुने, परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है आपके लिए इसको सुनना है। हालेलुया, जब आप इसको सुनेंगे, आप में से कई लोग सोचते होंगे मुझे इतने साल हो गए हैं काम करते हुए, कुछ तो हुआ नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, अब ये आने वाला साल, ये आने वाले दिन आपकी जिंदगी के बदलने वाला है। हालेलुया, आपके आपकी मेहनत का प्रतिफल परमेश्वर देने जा रहा है। ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, परमेश्वर की सामर्थ है यहाँ पर, परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे बीच में है। आप काफी समय से पढ़ाई कर रहे हो, है ना, बहुत सारी चीजें आपने दिमाग में सोची है, मुझे उस लेवल तक जाने, परमेश्वर वहां तक लेके जाने वाला, लेकिन आपके अंदर परमेश्वर एक चीज देखना चाहता है, वो है विश्वास योग्यता। अगर विश्वास योग्यता आपके जीवन में है तो असंभव चीजें भी संभव हो जाएंगी। आपने जो दिमाग में सोचा नहीं, परमेश्वर उससे बढ़कर काम करने की सामर्थ रखता है। यीशु ये बात जानता था, ये जो कुछ हो रहा है किसकी योजना में है, परमेश्वर जी। आपको परमेश्वर की योजना को समझना पड़ेगा, जब आप उसकी योजनाओं को समझ जाओगे, फिर कोई बीमारी, कोई ताकत, कोई भी परीक्षा आपको परमेश्वर की योजना से अलग नहीं कर सकती। हालेलुया, यूसुफ जानता था अगर मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो ये सिर्फ परमेश्वर की योजना है और मुझे इसमें बने रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। वो जेल में डाल दिया गया, उसके ऊपर झूठे आरोप लगा दिए गए, वो परमेश्वर को फिर भी उसने अपने जीवन में आगे रखा। और एक एक बड़ी बड़ी दिलचस्प बात है ना, बड़ा हम परमेश्वर को अपने हाथ उठाकर आदर दे और इस बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे कि यूसुफ जहां भी जाता था परमेश्वर उसको वहीं पर क्या करता था, वो पोतीपर के घर में आया, बाइबल में लिखा यहोवा परमेश्वर उसके कारण उसके घर में आशीष देने लगा और उसकी फसल, खेत, व्यापार सब बढ़ गया। और वो जान गया कि ये व्यक्ति तो बड़ा आशीष में है मेरे परिवार के, और उसको क्या दे दिया, हाई पोस्ट दे दिया। फिर उसके बाद झूठा आरोप लगाकर उसकी पत्नी ने उसको क्या किया, वो जेल में चला गया, जेल में जाकर भी क्या परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया, वहां भी परमेश्वर उसके साथ था। जेल में जाकर भी उसने उन दो व्यक्तियों के खिलाने हारा और खाने हारा, है ना, पकाने हारा, पिलाने हारा और पकाने हारा, ये दो व्यक्ति थे। मतलब एक व्यक्ति था जिसका राजा को खाना बनाने का, है ना,
नाम था और एक था पिलाने हारा, मतलब जो उसको दाक मधु पिलाया करता। उन दोनों के स्वप्नों का अर्थ बताया और उन्होंने ये जान लिया कि ये व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं। लेकिन जानने के बाद वो भी उसको क्या कर दिया, उन्होंने बाइबल में लिखा वो दोनों भी उसको भूल गए। राजा के सामने यूसुफ के बारे में बोला नहीं, लेकिन क्या वो भूल गए? परमेश्वर तो नहीं भूला। हालेलुया, परमेश्वर ने फिर से यूसुफ को उठाया, उस जेल में इस्तेमाल किया, वहां से जब बाहर आया परमेश्वर कैसे कैसे उसको इस्तेमाल करता गया। और एक बात सुनिए ध्यान से, एक जो नौकर मिस्र से इसराइल से कनान से आता है, मिस्र में रहता है, नौकरी करता है ना, एक ऐसी दूसरों की नजरों में एक ऐसी रेपुटेशन है कि जस्ट नौकर है ना, ये सिर्फ नौकर है। कई लोग उसे उल्टा सीधा भी बोलते होंगे, कई लोग गालियां भी देते होंगे, बहुत कुछ उसने सहा होगा है ना। वो जैसे आया था क्या उसके पास अच्छे कपड़े हैं? उसको अच्छे कपड़े कब मिलने लगे? जब लोग उसको देखने लगे ये विश्वास योग्य लड़का है। हालेलुया, वो जिस कपड़ों में था उसी में आया। हालेलुया, लेकिन एक बात वो कभी नहीं भूला, परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य था। हालेलुया, और जैसे जैसे वो बढ़ता गया है ना, फिर उसके बाद हम उसके जीवन में क्या देखते हैं, उसने पोतीपर की औरत के उस इनविटेशन को ठुकरा दिया। और बाइबल में लिखा है एक और राजा था है ना, उसकी बेटी थी, क्या नाम था उसका? आसनत। किससे शादी थी यूसुफ की? हाँ, जिसके यहाँ काम करता था, कौन था वो, कौन था, क्या नाम था उसका? हाँ जी, यूसुफ जिसके यहाँ पे काम करता था, क्या नाम था उसका? पोतीपर है ना। वो क्या था, कोई छोटा मोटा व्यक्ति था कि बहुत हाई पोस्ट वाला व्यक्ति था? तो बड़ी हाई पोस्ट वाला व्यक्ति था। और एक आगे चलकर जब वो वफादार रहा यूसुफ, तो आसनत जो एक राजा की बेटी थी उससे उसकी क्या हुई, शादी। परमेश्वर अपने लोगों को आशीष करता है, लेकिन वो विश्वास योग्य लोगों को देखना चाहता है। हालेलुया, परमेश्वर ने बहुत सारे प्लान, बहुत सारी योजनाएं, बड़ी योजनाएं आपके लिए रखी हैं, लेकिन अगर आप उस योजनाओं में परमेश्वर को महत्व देकर चल रहे हैं और परमेश्वर की इच्छा को पूरा करके चल रहे हैं, तो याद रखें परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से इस्तेमाल करेगा। जो आपने सोचा भी नहीं उससे बढ़कर परमेश्वर करेगा। हालेलुया, लेकिन आपको परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहना पड़ेगा। अब वो आदत छोड़ दीजिए, एक संडे आए और 10 संडे छुट्टी, एक संडे आए और उससे 4-5 संडे फिर छुट्टी है ना, कोई बात नहीं। मन में आ गया तो चर्च में आ गए, मन में नहीं आया है ना तो अपने घर बैठे। ऐसा नहीं करना, जब आपने उस पर विश्वास किया है तो वफादारी से उसके साथ चले, विश्वास योग्यता से उसके साथ चले, वो परिस्थितियों को बदलेगा। इससे बढ़कर कोई बात नहीं है कि हम जिंदा है। हालेलुया, क्या इससे बड़ी कोई बात है कि हम जिंदा है? दुख मुसीबत आएंगे चले जाएंगे कि नहीं, लेकिन एक बार जीवन चला गया तो आएगा वापस? नहीं, इससे बड़ी कोई बात नहीं है। हॉस्पिटलों में आप देखो लोगों को जो ना जी पा रहे हैं ना मर पा रहे हैं, ऐसी सी कंडीशन है लोगों की, वो तरसते हैं अपनी मौत के लिए। कई लोग बोलते हैं हमें टीका लगा दो जहर का, और कई लोगों ने जब अपने बच्चों की वो हालत को देख नहीं पाए उनको जहर के टीके लगवा दिए। क्यों? वो देख नहीं पा रहे थे उनको तड़पते हुए, कईयों ने ऐसे ही मार दिया। लेकिन ये गलत है, जब हम परमेश्वर को जान जाते हैं, जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, फिर वो कंडीशन तक परमेश्वर जाने नहीं देगा। हालेलुया, हालेलुया, उनको अपने जीवन के बारे में नहीं पता, हमें पता है जीवन कितना अमूल्य है। इसलिए हमें धन्यवाद देना चाहिए परमेश्वर को कि प्रभु मैं जिंदा हूँ, तूने मुझे जिंदा रखा है। यूसुफ को मारने की बहुत कोशिश की, लेकिन परमेश्वर ने उसको जिंदा रखा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अपनी योजना को पूरा करना चाहता था। आज आपके जीवन को भी नष्ट करने के लिए शैतान बहुत सारी योजनाएं बनाएगा, लेकिन परमेश्वर आपको मरने नहीं देगा, क्योंकि उसकी योजना आपके जीवन में है। लेकिन उसके साथ साथ आपको विश्वास योग्य रहना पड़ेगा, वो विश्वास योग्यता को देखना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, आपकी आंखें बुखाएंगे और उस परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि प्रभु तूने हमें जिंदा रखा, तूने हमें सुरक्षित रखा, और जो तू हमारे जीवन में देखना चाहता है वो है खुदावन्द विश्वास योग्यता। आज प्रभु हम आपके प्रति विश्वास योग्य रहें, वफादार रहें, और प्रभु जो चीजें जो आशीषें तूने हमारे लिए रखी हैं खुदावन्द, हम उनको अपने जीवन में देखने पाए। सब मिलकर धन्यवाद देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
a like would be appreciated. And don't forget to subscribe.